सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास में आज हम स्केल नंबर 9 की कागज बाट करेंगे, सीखेंगे। स्केल नंबर 9 की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 29 सेंटीमीटर और हाइट है 42 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसलिए हमने कागज को लेंथ में रखा है। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है 50 और 29 जोड़ के आती है 79। तो 79 आ रही है और इसमें जो फुट्टा यूज हुआ है वो है 1.5 सेंटीमीटर, जो हमें कहा गया है 1.5 सेंटीमीटर फुट्टा यूज हुआ है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें 79 सेंटीमीटर इस फुट्टे से काटना है यहाँ पे। तो यहाँ से ये हमारा 80 और ये एक कम यहाँ पे है 79। इस तरह हम 79 सेंटीमीटर काट देंगे और जो बच गई हमारी शीट है इसके हमने करने हैं बराबर 3 भाग। तो हमने यहाँ से एक न्यून कोण लेना है इस तरह से और इस पे हमने निशान 3 लगाना है अपनी मर्जी से यहाँ से। एक, दो और 3 इस तरह से, और हम इसमें लिख लेते हैं ये 1, 2 और 3। अब हमने जो 3 है इसको हमने लास्ट पॉइंट के साथ यहाँ पे मिला देना है इस तरह से, और इसी के समानांतर हमने रेखा खींचनी है 2 से, और फिर हमने इसी के समानांतर रेखा खींचनी है 1 से इस तरह से। और हम इसको देख लेते हैं क्या ये हमारा सही है। तो यहाँ से 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से एक भाग छोड़ देना है। इसके बाद हम लेंगे इसकी लेंथ, और इसकी जो प्रॉपर लेंथ हमारी है वो है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये हमारा है 50 सेंटीमीटर। उसके बाद एक भाग हम और ले लेंगे इसमें इस तरह से, और अब हम लेंगे इसमें ब्रेथ, वो हमारी है 29 सेंटीमीटर। और ये आप देख सकते हैं ये 30 है, एक कम 29 और एक भाग हमारा बच जाता है इसी तरह से। वो हमने नीचे भी इसमें यहाँ से एक भाग, फिर हम काटेंगे इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर, ये हमारी है यहाँ से 50 सेंटीमीटर। फिर हम लेंगे एक भाग और फिर हम काटेंगे ब्रेथ जो कि है 29 सेंटीमीटर यहाँ से 29 सेंटीमीटर इस तरह से, और अब हम इसको मिला देंगे इस तरह से हल्की लाइनों से। अभी हम इसको फिलहाल मिलाएंगे, बाद में हम लाइन को डार्क कर देंगे इस तरह से। अब हमने ब्रेथ और हाइट को जोड़ना है। इसकी ब्रेथ है 29 और हाइट है 42। ये जो हमारा जोड़ है वो होता है 71। तो यहाँ से हमने 71 सेंटीमीटर 71 यहाँ से 71 सेंटीमीटर काट के बची हुई शीट के हमने बराबर 5 भाग करने होते हैं। तो यहाँ से हम इसमें पहले न्यून कोण बना देते हैं इस तरह से, और इस पे अब हमने बराबर 5 निशान लगाने हैं पहले यहाँ से 1, 2, 3
चार और एक पांच, इस तरह से हम इसमें लिख देंगे, एक दो तीन चार पांच। अब हमने क्या करना है, जो हमारा पांच पॉइंट है और लास्ट पॉइंट हमारा कागज पर उसका पेपर डिवीजन का है, इसका हमारा हाशिए का, इसको हमने मिलाना है और उसके समानांतर हमने रेखा लेनी है चार से, फिर हम रेखा लेंगे तीन और दो और फिर हम रेखा लेंगे एक, इस तरह से। और हम इसको नाप लेते हैं, ये हमारा एक दो तीन चार और पाँच बिल्कुल बराबर है। हमने दो पॉइंट जितने प्रकार खोलनी है यहाँ से, आप देख सकते हैं कोई सिर्फ दो हम ले सकते हैं और ऊपर से हमने यहाँ से काट देना है इस तरह से। फिर हम लेंगे इसमें इसकी हाइट, अब हमने हाइट लेनी है, हाइट इसके 42, तो ये हमारा 41 और 2, तो ये हमारा आता है 42 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने लेना है एक भाग, तो यहाँ से हम एक भाग ले लेंगे इस तरह से। और अब हम काटेंगे इसकी ब्रेथ, इसकी ब्रेथ है 29 सेंटीमीटर, तो आप देख सकते हैं ये हमारा तीसरा भाग है, ये 30 है और ये 29, तो बिल्कुल हमारा बराबर है, दो भाग हमारे बच जाते हैं। तो अब हमने यही दो भाग जो हमने यहाँ पे काट रखे थे, आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे छोड़ देने हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे इसकी हाइट प्रॉपर, इसकी हाइट है 42 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लेंगे एक भाग, तो हमने यहाँ काट रखा है, इतना हम यहाँ छोड़ देंगे। इसके बाद हम लेंगे इसकी ब्रेथ जो भी है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 30 में से एक कम कर देंगे 29 इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसको हमने मिला देना है, तो यहाँ पे यह हम लाइन लगा देंगे, यह हम हल्के से लाइन लगाएंगे आगे बढ़ा के, उसके बाद यहाँ पे फिर हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे, ये हम लास्ट लाइन लगा देंगे यहाँ, हम खाली निशान लगाएंगे और इसको हम तिरछा यहाँ पे मिला देते हैं। अब जो फालतू लाइनें हैं उनको हम मिटा देंगे और जो हमारी लाइट लाइनें हैं उनको हम डार्क कर देंगे इस तरह से। जो हमारी लाइट लाइनें थी उनको हमने डार्क कर दिया है, फालतू लाइनों को हमने मिटा दिया। अब हम इसमें यहाँ पे इसमें लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इसकी हाइट, यहाँ हम लिखेंगे इसकी ब्रेथ और यहाँ हम लिखेंगे इसकी लेंथ। इस तरह से यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो है 42 सेंटीमीटर, इसकी जो ब्रेथ है वो है 29 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर इस तरह से। ये हमारी बेस लाइन है, तो इसमें हम लिखेंगे एक्स वाई और हम यहाँ लिखेंगे इसमें एलिवेशन,
यह हम लिखेंगे साइट प्लान और प्रोजेक्शन। यहां हम इसमें लिखेंगे स्केल नंबर 1.5 सेंटीमीटर। यहां हमने फुटा बनाना है यहां पे इस तरह से, तो इसके हमें दो नंबर अलग से फुट्टे के मिलते हैं। कागज बाट के हमारे दो नंबर है और फुट्टे के भी हमारे दो नंबर। ये आपकी स्केल नंबर है 9। इस तरह से आपने इसको बनाना है। और इसकी जो सॉल्व स्केल है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं और मेरे चैनल पर भी जा करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।